नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मेवाड़ विश्वविद्यालय में टेक्निकल टुडे क्लब ने शनिवार को महाराणा प्रताप हॉल में इलोक्वेंट रिकॉर्ड्स कार्यक्रम की मेजबानी की। कार्यक्रम के केंद्रीय विषय पर आकर्षण चर्चा हुई, क्या तीव्र प्रवासन को रोका जाना चाहिए या नहीं। प्रतिभागियों ने मुद्दे के दोनों पक्षों पर सम्मोहक तर्क प्रस्तुत किए। ताहिर एजू समैला ने कुशलतापूर्वक कार्रवाई का मार्गदर्शन किया, जिसमें चर्चा का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित हुआ। जेरेड जॉन के कार्यक्रम के समन्वय और इसकी सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि सिलास वाडा, रजाइस एली और चार्ल्स गैसोबना ने वकालत की थी, इस अवसर पर मेवाड़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉ आलोक मिश्रा ने बौद्धिक रूप से प्रेरक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हुए प्रारंभिक टिप्पणी दी। कार्यक्रम का समापन इंजीनियरिंग के डीन आर राजा और कृषि के डीन प्रोफेसर डॉक्टर वाई सुदर्शन के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों, आयोजकों और उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के समन्वय की देखरेख टेक्निकल टुडे क्लब के संयोजक और सहायक प्रोफेसर लोन फैसल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर निर्मा शर्मा ने की। एलोकेंट इकोज ने न केवल प्रतिभागियों की वाक्पटुता का प्रदर्शन किया, बल्कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारशील चर्चा के लिए एक मंच भी तैयार किया। आयोजन की सफलता मेवाड़ विश्वविद्यालय के जीवंत बौद्धिक समुदाय को दर्शाती है। Brain drain like hampers a lot and does bad to the economy of a nation, does bad to the development of a nation. And also another disadvantageous side of rapid immigration has to deal with the human resources. Even though Nigeria has a starting population of 223 million citizens, and we have a very high in that section. If you see, the budget allocated for Nigeria, for the education system in Nigeria has dropped in the 6 years from 8% to 2.9%. Education is something that is supposed to be valued in the Nigerian system, because we say education is the key. But in Nigeria, education is not valued, and thereby it's leading to lack of investment in the Nigerian education, further deteriorating the system. Also, lack of infrastructures and vocational training in Nigeria